नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्ण अशोक गवाने आज हम देखेंगे कक्षा पाँचवीं का हिंदी का लेक्चर 16। टॉपिक नेम बालिका दिवस। आज जो हम पाठ देखने वाले हैं उस पाठ का नाम है बालिका दिवस। बालिका दिवस पाठ का परिचय देखेंगे। महाराष्ट्र में कन्या शिक्षण के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत काम किया था। प्रति वर्ष 3 जनवरी को उनका जन्मदिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। पाठ देखेंगे बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। देखो दुर्वा का यह घर है और यह संवाद जो है वह दुर्वा के घर जो सब खेलने के लिए एकत्रित हुए थे तब यह संवाद है और चाची जी और बड़े भैया भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखो दुर्वा क्या कहती है। सबसे पहले सृष्टि आज तो तुम बहुत बनठन कर आई हो। सृष्टि कहती है आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। फिर प्राची कहती है अरे हाँ कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चाची जी कहती है सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। दुर्वा के घर जब सृष्टि प्राची यह आई थी तब सृष्टि जो है तो वह बंठन कर आई थी। फिर दुर्वा ने उसे पूछा कि सृष्टि आज तुम बहुत बंठन कर आई हो। तो सृष्टि ने जवाब दिया कि आज 3 जनवरी बालिका दिवस है। प्राची ने उसे उस बात को बढ़ाया और कहा कि कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चाची जी ने और जानकारी दी कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है और अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान क्या कह रहा है। देखो आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। आजकल क्या है लगभग सभी लड़कियाँ क्या करती है स्कूल में जाती है और खेलकूद में पढ़ाई में अन्य क्षेत्रों में भी आगे है। फिर मंत्र कह रहा है हाँ हाँ आज समाज सेवा शिक्षा विज्ञान संगीत प्रशासन शोध कार्य खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे बढ़ रही है। सृष्टि कह रही है देखो मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। फिर भैया ने कहा कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची कहती है हाँ इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। देखो आगे जब सावित्रीबाई फुले इन्होंने क्या कार्य किया यह चाची जी ने बताया तो जुशान कहता है कि आजकल तो क्या है सभी लड़कियां पाठशाला जाती है और पढ़ाई लिखाई में क्या है अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे है। मंत्र ने कहा समाज सेवा शिक्षा विज्ञान संगीत प्रशासन शोध कार्य खेलकूद आदि क्षेत्र में लड़कियां क्या कर रही है आगे बढ़ रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य सृष्टि ने कहा कि मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। शिक्षा हमें क्या करती है स्वावलंबी और सजग बनाती है इसलिए हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। और भैया ने एक और महत्वपूर्ण बात की कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची कहती है कि हाँ इसलिए हमें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। हमें मन लगाकर क्यों पढ़ना चाहिए यह इस पाठ में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। फिर सभी इस संवाद के बाद सभी क्या बोलते हैं खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। क्या बोलते हैं खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। अब शब्दार्थ देखते हैं एकत्रित यानी इकट्ठा बंठन कर यानी सज धज कर अच्छी वेशभूषा में प्रथम यानी पहली शिक्षिका यानी अध्यापिका लगभग यानी करीब करीब अन्य दूसरा
प्रशासन, राजकाज, शोध कार्य, खोजबीन, किसी विषय की गहरी जांच, स्वावलंबी यानी अपने आप पर भरोसा करने वाला, सजग यानी सावधान, परिवार यानी कुटुंब। उचित जोड़ियां मिलाओ। देखो 5 सितंबर को क्या है, शिक्षक दिवस है, 14 नवंबर को बाल दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, 30 जनवरी को शहीद दिवस है। आगे के लेक्चर में हम रोबोट यह पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।